आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल ड्रीम होम में, जिसमें आप घर से जुड़े कोई भी वीडियो देख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए से नए वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये घर का एंट्रेंस है, तो ये एकदम कम जगह में बनाया हुआ घर है। तो आप कैसे बेस्ट घर बना सकते हैं ये दिखाने की कोशिश की गई। यहाँ पर सामने आपको एक अंदर जाने के लिए गैलरी मिलेगी और इधर एक कमरा मिलेगा, और इसी कमरे के बाहर की तरफ ही आपको एक और कमरा मिलेगा जहाँ यहाँ से 3-4 सीढ़ियाँ लग के आपको अंदर जाना होगा। इस कमरे का फ्रंट जो होगा वो एलिवेशन के तौर पे यूज़ किया जाएगा, जिसका बाद में वीडियो देंगे आपको। और यहाँ पर फाटक रखी जाएगी। चलिए आप गैलरी के अंदर चलते हैं। तो ये इस घर का मेन हॉल रहेगा। तो इस हॉल में आप, काफ़ी बड़ा हॉल है जिसे आप चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं मेहमानों के आने पे। यहाँ हॉल से अटैच एक कमरा है, यह आप बेडरूम की तरह यूज़ करेंगे। और ये काफ़ी बड़ा कमरा है, तो इसका आप चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं। इस कमरे में आपको एक पूजा घर मिलेगा, यहाँ पर आप अपनी तस्वीर या जो भी रख के पूजा आरती कर सकते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ एक आपको बालकनी मिलेगी जहाँ से आप पीछे के सारे नज़ारे देख पाएंगे घर के। तो अभी इसके जो हॉल है उसके पास एक और कमरा है, तो इस कमरे को आप बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसे भी चाहिए बच्चों के लिए। और इससे अटैच एक लेटरिन बाथरूम है, और इसके ऊपर वापस आपको अगर कुछ सामान रखना हो तो भी इसके ऊपर सुविधा दी गई है। तो हॉल के पास ही आपको एक लेटरिन बाथरूम दिया गया है, जिसका यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सुविधा। तो चलिए किचन देखते हैं। किचन में जाने पे आपको एक खिड़की मिलेगी सामने, जिससे ताज़ी हवा अंदर आती रहेगी। और इधर साइड में आपको एक तरफ स्टोर रूम की तरह यूज़ करने के लिए एक छोटा सा ही मिलेगा, इसके ऊपर भी सामान रखने की जगह है। तो अब हम ऊपर चल के देखते हैं घर का। तो इसके छत के ऊपर ये इन सीढ़ियों के ऊपर पूरी तरह से ये ढक दिया जाएगा सीमेंट से, और यहाँ पर एक अटैच लेटरिन बाथरूम भी मिलेगा, ये इसे आकाशिया कहते हैं। और यहाँ नीचे वो कमरा जिस पर एलिवेशन बनेगा, अभी ये खुला हुआ है, तो बाद में यहाँ पर छत होगी और उसके ऊपर पूरा ये बना के एलिवेशन और खोखड़े टाइप दिया जाएगा, जिसका बाद में आपको पूरा वीडियो दूंगा। तो अभी आप यहाँ से सीधे अंदर जाएंगे तो ये गैरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसमेंट फ्लोर पूरी तरह कॉलम पर बनाया गया, यहाँ आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं और चाहे जितनी जगह है जैसे भी आप चाहे गोदाम के तौर पे देके भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कमरा है, पूरी तरह कॉलम पर बना हुआ घर है। और ये नीचे पानी का एक होद है, और यहाँ पर भी आपको एक लेटरिन बाथरूम की सुविधा यहाँ पर भी मिल रही है। यहाँ पर एक कमरा बनाया गया जिसमें आप अपने कोई भी सामान रख सकते हैं जैसे, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर वापस घर के अंदर जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।